नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन चलाई है उसमें आप सफर करके अपने घर वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ये वीडियो बिहार प्रवासी मजदूर के लिए बनाया गया है जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिससे बिहार सरकार ने सिर्फ 3 मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन नंबर जारी किए थे, लेकिन अभी बिहार सरकार ने काफी सारे अलग अलग स्टेट के लिए मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं जिससे आपको घर आने के लिए या फिर आपको मदद मिलने के लिए आसानी हो सकती है। अगर आप दूसरे राज्यों में फंसे हैं तो आप अपने स्टेट के नाम लिखकर हमें कमेंट करेंगे जिसके लिए हम आपके स्टेट के लिए भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ आप देखेंगे घर जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर, वर्कर्स, प्रवासी यात्रा, पंजीकरण, कोविड-19। उसके बाद नीचे आप देखेंगे गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला दी है। उसके बाद कुछ जानकारी दी गई, यहां पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं। ये नंबर पहले भी जारी हुए थे, ये नंबर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में कुछ नए नंबर अलग अलग स्टेट के लिए जारी हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो ये नंबर भी नोट कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको परेशानी न हो। नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आके देखेंगे अगर आप दूसरे राज्यों में फंसे हैं, बिहार आना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार आना है तो ना हो परेशान, इन नंबर पर कॉल करें। ये सारी चीजें आपको नंबर दी गई, यहाँ पर आप देखेंगे किस स्टेट के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन सी स्टेट है, यहाँ पर अधिकारी का नाम है, जितने अधिकारी आपका ये फोन अटेंड करेंगे अधिकारी का नाम है, यहाँ उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप पहले देख लें आप किस स्थान में फंसे हैं, किस स्टेट में फंसे हुए हैं, उसी हिसाब से आप उसी के सामने मोबाइल नंबर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग अधिकारी हैं, उनका फोन नंबर है। जैसे आप देखेंगे यहां दिल्ली हिमाचल प्रदेश के लिए पालका सानी, यहां पर मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शैलेंद्र कुमार, यहाँ उनका मोबाइल नंबर है। पंजाब के लिए मानवजीत सिंह है, ये उनका मोबाइल नंबर है। हरियाणा के लिए देवेश सेहरा है, ये इनका मोबाइल नंबर है। आप चाहे तो यहाँ से भी मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, नहीं तो इन सभी का स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, आप वहां से जाके मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा जिससे आप वेबसाइट पर जाकर भी मोबाइल नंबर ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी दिए गए हैं, इस वेबसाइट पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट अभी ओपन नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्योंकि बाद में आप परेशान ना हो। आप सिर्फ मोबाइल नंबर पे फोन करके ही मदद ले सकते हैं, इन वेबसाइट पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।